खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न टिक्की। एक कप कॉर्न लिया है, कॉर्न को एक मिक्सर जार में डालेंगे। थोड़े से कॉर्न बचा लेंगे, इनका बाद में यूज़ करेंगे। कॉर्न को दरदरा पीस लेंगे। देखिए कॉर्न को इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। फ्राई पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जीरा भुन गया है, अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को भी हल्का सा भून लेंगे। अदरक हल्का सा भून गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ कॉर्न। कॉर्न को भी हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही कॉर्न को भूनेंगे। आधा मिनट हो गया है कॉर्न को भूनते हुए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि कॉर्न को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। कॉर्न को हल्का सा ठंडा होने देंगे। कॉर्न को फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कॉर्न ठंडा हो गया है, अब इसको एक बड़े बाउल में डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दो बारीक कटी हुई गाजर, एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, दो बड़े साइज़ के उबले कद्दूकस किए हुए आलू, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, दो ब्रेड की स्लाइस, उनका ब्रेड क्रम्स बना लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। साबुत बचे हुए स्वीट कॉर्न। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे चार चम्मच कॉर्न फ्लोर, कॉर्न फ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न फ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है, हथेली पे हल्का सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सर लेंगे। इस तरीके से अब इसको गोल करेंगे। हल्का सा प्रेस कर देंगे, टिक्की की सेम में दे देंगे। देखिए कितनी मस्त टिक्की बन के आ रही है। अब इसके ऊपर हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरीके से इसी तरीके से सारी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा डो लेंगे इस तरीके से, अब इसको गोल कर लेंगे, हल्के हाथों से दबा देंगे। अब इसके ऊपर भी ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, दोबारा से दबा देंगे। इस तरीके से टिक्की बना के तैयार कर ली है। टिक्की को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है,
आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें टिक्की को डालेंगे। टिक्की एक तरफ से थोड़ी सिक जाएगी, तब इसको पलटेंगे। टिक्की एक तरफ से थोड़ी सिक गई है, अब इसको पलट देंगे। टिक्की को दोनों तरफ ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए टिक्की दोनों तरफ से ब्राउन हो गई हैं, अब इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। टिक्की को कढ़ाई के किनारे पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो भी अच्छा तेल हो वो निकल जाए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। अब इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी यम्मी यम्मी टिक्की बन के आ रही हैं। इसी तरीके से सारी टिक्की तल के तैयार कर लेंगे। टिक्की एक तरफ से सिक गई है, अब इसको पलट देंगे। देखिए दोबारा से भी टिक्की अच्छे से तल गई है, इसको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी टेस्टी स्वीट कॉर्न टिक्की बन के आई है। स्वीट कॉर्न टिक्की सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।